देखिए हमारी आशा जो है, जब उस पर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो किसी से भी सहन नहीं होगा। ये हमारे ही नहीं, पूरे भारत पूरे विश्व के हैं। जब जब लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जग, तो इसीलिए से कोई ठेस पहुंचाएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि हम हर तरफ से शांति चाहते हैं। अगर लोग ये कोई ऐसे लोग हैं जो फसाद बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है धर्म का, हम धर्म पर चलते हैं, धर्म की बात करते हैं और धर्म पर ही रहते हैं, और धर्म कभी भी कोई गलत काम नहीं सिखाता है। अगर ये लोग इस नीचे हथियारों पे आ गए हैं, अब इनका नाश निश्चय ही है, अब ये बिल्कुल इनका सर्वनाश है। जब गलत बयान देते हैं समझो सर्वनाश है। इसलिए हम हनुमान जी को कोई बैन कर सका, उन्हें लंका जाने से कोई रोक नहीं सका, तो उनको कौन रोकेगा? अभी इनकी जो बाल बुद्धि है वो हीन हो गई है, अब इससे बिल्कुल वंचित हो गए हैं, तो इसीलिए ये घर बनाए हैं, गलत बयान दे रहे हैं, तो इसीलिए अब इनका सर्वनाश है, बिल्कुल सर्वनाश है। आज जहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वे जानी पर नहीं हो रहा है, आज पूरी जम्मू के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस ने जो एक प्रस्ताव लाया है संकल्प पत्र के अंदर कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, ये बजरंग दल पर बैन नहीं है, ये हनुमान जी पर बैन है, बजरंग दल के चालीसे पर बैन है। मेरे भाइयों मुझे समझ नहीं आती है, जब ये कांग्रेस वाले ऐसा बोलते हैं तो बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संस्था है, बजरंग दल एक देशभक्त संस्था है, भारत माता की जय करने वाली संस्था है। क्या ये पीएफआई के लोग, ये पॉपुलर फ्रंट के लोग, क्या ये भारत माता की जय बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ये देश विरोधी संस्था है। ये कांग्रेस के लोग, ये केजरीवाल जैसे लोग हमारी तुलना क्या इन संगठनों के साथ करते हैं? इसलिए आज ये हनुमान चालीसा का ये योजना है, ये आवाज हमारी सभी लोगों के अंदर जाए कि ये कांग्रेस वाले वोट बटोरने के लिए, ये केजरीवाल वोट बटोरने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जो हम लोग हैं, या बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, या देश को जोड़ना चाहते हैं, देश को इकट्ठा करना चाहते हैं। भारत माता की जय। अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।